हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि विधानसभा को हाईटेक और विधायकों को लैपटॉप तथा विधानसभा को कागज रहित बनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार पर कहा है कि उनकी सरकार आने के बाद से भ्रष्टाचार 50% तक कम हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वे छात्र संघ के चुनाव के पक्षधर हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा विधानसभा को पेपर रहित बनाने के लिए हरियाणा विधानसभा को जल्द ही और हाईटेक बनाया जाएगा और इसी के चलते एक ऐसी योजना बनाई जा रही है जिसमें सभी विधायकों की सीट पर ही लैपटॉप को लगा दिया जाएगा और इनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विधायक किसी भी विभाग के डाटा को देख सकें। देखिए, पूरे देश में आज पेपरलेस पार्लियामेंट की एक अवधारणा चली हुई है कि विधानसभाएं पेपरलेस हो और इसी पे अभी लखनऊ में एक सम्मेलन भी हुआ था तो वहाँ पर सभी ने बड़ी बात रखी थी और हिमाचल आज देश में सबसे आगे है। इस उसने अपनी विधानसभा को लगभग 90-95% तक पेपरलेस कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ उसके बारे में जितनी जानकारी विचार विमर्श से, बात से, तर्क से हो सकती है, उससे भी ज़्यादा प्रभावित कर सकती है वीडियो क्लिप के तौर। ये अच्छा सिस्टम है इसका। तो क्या विधानसभा सत्र जल्दी? विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से चल रही है और सभी अधिकारी अपने काम को ठीक से कर रहे हैं, मगर कुछ अधिकारियों की फितरत ही लोगों को परेशान करने की होती है। अधिकारी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी हरकतों से भाग जाते हैं और वो जनता को परेशान करना चाहते हैं, आदत में होता है उनकी। तो मैंने तो ये बात कई बार पहले भी की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर है और हमने तो बहुत लंबे टाइम से उनके साथ हैं, हम बहुत करीब से जानते हैं कि वो एक कुशल प्रशासक हैं। निश्चित तौर से बहुत बड़े परिवर्तन वो करेंगे। इनसो के मुद्दे पर कंवरपाल बोले कि छात्र संघ के चुनाव की जो मांग कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री और कैबिनेट का होता है। चौटाला साहब ने शासन किया 5 साल, तो वो उस समय की बताएंगे कि किस प्रकार से उन्हें उन इकाइयों को बहाल किया है और उस टाइम उन्होंने क्या किया है। लेकिन जैसे ही उनका राज गया तो उसके बाद उन्हें तुरंत कहना चालू किया कि भाई छात्र इकाइयों को बहाल किया जाए, इसके बारे में निर्णय तो माननीय मुख्यमंत्री जी लेना। यमुनानगर में प्लाईवुड के लाइसेंस देने के बारे में अध्यक्ष ने पिछली सरकार पर जमकर आरोप लगाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।